बायर्स का फ्लैट दिया। ये फ्रॉड बिजनेस प्रैक्टिस नहीं तो क्या है? ये देश की सरकार क्यों सो रही है? मुझे बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है। हम चाह के भी इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसके कोई सलूशन नहीं है। मुझे 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 नहीं नजर आ रहा है, सारे लोग आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ भी, ये लोग भी बैठे हुए हैं, ये मुझे कोई एक सलूशन बता दे कि गवर्नमेंट जब तक इसमें नहीं जगेगी, जब तक इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, इतने बड़े स्कैम का कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे हम जिस सॉफ्टवेयर पर चले जाए और चाहे हम जहां चले जाए, कुछ नहीं हो सकता। हमें जरूरत है एकजुट होने की, बहुत फ्रेंडली मैं बता रहा हूँ, जरूरत है एकजुट होने की। सब लोग, सारे प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले लोग हैं, कोई दिल्ली से बाहर है, जो लोग 10-15 लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में है, एसोसिएशन बना के अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हमें इससे निजात मिल जाए, लेकिन इसका कोई सलूशन नजर नहीं आ रहा है। और मैं जनरली लास्ट ईयर से जो एक्टिविटीज हुई है वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूं, क्या क्या एक्टिविटीज हमारी एसोसिएशन ने की है, बल्कि सब लोगों ने किया है। वो सब जगह गए, कोई ऐसी जगह नहीं है, चाहे वो SSP हो, DM हो, इकोनॉमिक ऑफेंस बिंग हो, नोएडा अथॉरिटी हो, NCDRC हो, हर जगह हम गए और हमें कहीं ना हमने सब कुछ कर लिया। कोई ऐसे हथियार और कोई ऐसा तंत्र और कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जो हमने अपने फ्लैट लेने के लिए नहीं किया हो, और हम कुछ नहीं कर पाए तो हम इस फ्रॉड ब्रेकर्स को अंदर नहीं करा पाए। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो हम पढ़े लिखे लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है और सरकार इसमें सोती हुई नजर आ रही है।